now when i talk about one thing that is 200 plus marks myth it is a reality or it is something that is just being sold in the market you will get to know in this video so make sure that you stay tuned for the same because this is something which is going to be a mythbuster now you must have heard from n number of coaching institutions that aim 200 plus इज़ दिस अ मिथ और दिस इज अ रियालिटी अब मैं आपको एक रियालिटी बताती हूं कि कुछ लोगों के लिए मिथ है कुछ लोगों के लिए रियालिटी है ये एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो यूजली सिर्फ उन लोगों को पता होती है जो एस एस बी क्वालिफाई कर चुके होते हैं बिकॉज वो इस चीज़ को फेस करते हैं ठीक है रिटर्न क्वालिफाइड लोगों को यह चीज़ ज्यादा इन डेप्थ नहीं पता होती फॉर देम जस्ट गेटिंग थ्रू एस एस बी इज अ बिग थिंग सो नाउ लेट मी गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन मिथ की अगर बात करें टू हंड्रेड प्लस इज अ मिथ फॉर थ्री कैटेगरीज अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं अगर आप टेक्निकल साइड जाना चाहते हैं या फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं इन दीज थ्री ब्रांचेस देर इज नो यूटिलिटी ऑफ टू हंड्रेड प्लस मार्क्स देर व पीपल हुर विद मी एंड जस्ट विद वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स मार्क्स 155 मार्क्स वैसे एडम में भी गए हैं बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट केस बट विद सर्टन मार्क्स दे हैव ऑल्सो गॉट इन टू अकेडमी एंड फाइनली आज की डेट में दे आर सर्विंग बट देर इज अ थिंग टू इट कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से थे या टेक्निकल साइड से थे जो लोग ई के टी क्लियर करके जाते या फिर फ्लाइंग साइड से थे बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम है ओके okay, रिकमेंडेशन जो होता है इन बच्चों का बहुत सीट्स रहती है और बहुत लिमिटेड रिकमेंडेशन रहता है सो देर इज नॉट अ हसल की आई हैव टू बी बी अहेड अहेड आई हैव टू बट इट इज अ रियलिटी 200 प्लस इज अ रियलिटी फॉर ऑल ऑफ हु आर गोइंग फॉर एडम एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच तो प्लीज एक बार चेक कर लेना कि आपकी ब्रांच कौन सी है एंड अकॉर्डिंगली आप हार्डवर्क करेंगे फॉर दीज थ्री ब्रांचेस आई विल जस्ट सजेस्ट वन थिंग कि इवन इफ यू गेट अराउंड यू नो ट्वेंटी मार्क्स ओवर द कट ऑफ की अगर आप वन एटी मार्क्स तक भी रहते हैं सो यू कैन बी शोर शॉर्ट अबाउट योर सिलेक्शन बट इफ आई टॉक अबाउट एडम लॉजिस्टिक्स इवन आप टू हंड्रेड प्लस ला के भी शोर शॉर्ट नहीं हो सकते हो स्पेसिफिकली वेमेन कैंडिडेट्स दर इज अ रीजन टू इट, बिकॉज द सीट फॉर वेमन कैंडिडेट्स आर हार्डली थ्री टू फोर वैन इट कम्स टू एडम लॉजिस्टिक्स ब्रांच सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस वेरी फैक्ट बींग यू स्टिलव अ लिटिल गुड चांसेज बट आई नॉट से एक्सट्रीमली गुड चांसेज बिकॉज एक्सट्रीमली गुड चांसेस सिर्फ इन थ्री ब्रांचेस के हैं तो प्लीज एम टू हंड्रेड प्लस और टू हंड्रेड प्लस मे बी यू कैन गेट टू हंड्रेड फिफ्टीन टू ट्वेंटी एवरीथिंग इज लेस फॉर यू प्लीज वर्क वेरी हार्ड अब कुछ ऐसे भी केसेस रहे हैं जिसमें कैंडिडेट्स have secured around 156 marks 163 marks i have such you know examples and these people have got through adam logistics now seriously telling these have been those people jinke 5 se 6 recommendation reh chuke hain already and they are working quite hard for it okay so this has been the case तो आप प्लीज उस चीज को साइडलाइन करके चलना बिकॉज उनके एस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि एस थोड़ा support करता है उनको मार्क्स अच्छे दे दिए जाते दैट्स दे गेट इन टू अकेडमी और सिर्फ मेरिट लिस्ट नहीं होती मेरिट लिस्ट के बाद भी एक एडिशनल लिस्ट आती है और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, उनके पास जाती है सो दिस इज इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग टू यू एंड विल नॉट बी अवेलेबल विद यू एनी एल्स